हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब वाला एजेंसी प्रिपरेशन। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका किसी न किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो चुका है और उन्होंने और भी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल करे हैं और वो जॉब लगने की कगार पे हैं उस पर भी, जैसे कि SSC CGL हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो हो गया। तो इसमें जिन लोगों की भी जॉब लगी है, अगर वो लोग उस जॉब से संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं कि हाँ उन्हें उनकी मनचाही पोस्ट मिल गई है, तो उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं सभी SSC स्टेनो एस्पायरेंट्स की तरफ से कि अगर आप लोग अपनी जॉब जो भी आपको मिली है, जो भी पोस्ट आपको मिली है, उससे संतुष्ट हैं, तो SSC स्टेनोग्राफर 2022 में जो पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म आया है उसको मत फिल करिएगा। ये वीडियो बहुत रिक्वेस्ट आने पर मैं बना रहा हूँ, क्योंकि आपके इस एक डिसीजन से किसी दूसरे कैंडिडेट की, किसी दूसरे बच्चे की जॉब लग सकती है और उसकी लाइफ जो है सेटल हो सकती है। तो अगर आप लोग सेटिस्फाइड है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग भरे ही मत, बट अगर आप सेटिस्फाइड हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी को सीजल में इंस्पेक्टर चाहिए था, उसको इंस्पेक्टर मिल गया है, तो स्टेनोग्राफर की जॉब वो क्यों करेगा? अगर आपको नहीं ऑप्ट करना है SSC स्टेनोग्राफर की जॉब, तो आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भी क्यों भरेंगे? सिर्फ मेरा इतना सा कहना है। और जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो में सिलेक्शन हो गया, जिसको होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया, अगर वो इलाहाबाद ही ज्वाइन करना चाहता है, वही अगर वो कोर्ट ही ज्वाइन करना चाहता है, तो उसको SSC स्टेनोग्राफर का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने की क्या ज़रूरत है? ऐसे न जाने कितने बच्चे होंगे। अगर मान लीजिए 500 बच्चों ने भी ऐसा डिसीजन ले लिया कि नहीं, चलो मैं नहीं भरूंगा, जो मुझे जॉब मिली मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो आपके उस डिसीजन से किसी और की जॉब भी लग सकती है। ये एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से सभी लोगों को जिनकी भी जॉब लग चुकी है, जो सेटिस्फाइड हैं, वो प्लीज़ SSC का जो पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म आने वाला है उसको मत भरिएगा। अगर आपको जॉब SSC स्टेनोग्राफर की नहीं करनी है, तो अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप भरिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो एक सीट खराब मत करिए। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, और जितने भी समझदार लोग होंगे वो इस बात को समझेंगे कि उनके एक सीट छोड़ने से कितने बच्चों का फायदा हो सकता है और कितने बच्चों की लाइफ जो सेटल हो सकती है। कई लोग न जाने कितने परेशान होंगे, कई सालों से जॉब नहीं लग रही होगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप लोग भी समझते होंगे जो भी ये वीडियो देखेंगे। तो ये रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, ओके। और पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म जो है वो आने वाला है कुछ ही दिनों में, तो अगर आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप लोग करिएगा। बट ये मेरी तरफ से एक मैसेज है, एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों को जिनका भी सिलेक्शन पहले हो चुका है और वो जॉब से सेटिस्फाइड है, ओके। तो ये फॉर्म जो है पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म, उसको मत भरिएगा। और जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको बता दूं मैं, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे ये सभी लोगों तक पहुँचे और लोग इस बात को समझें। बाकी आपको बता दूं, अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टा आईडी भी दी हुई है, मुझसे उसमें कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी हेल्प चाहिए हो किसी भी तरह की, मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।